हर फीमेल मेल सब चाहते हैं कि हम चुस्त रहें, फिजिकली फिट रहें हम. अच्छा. तो इसके लिए उनको चाहिए कि एक्सरसाइज करते रहें. एक्सरसाइज क्या है? मेल है और फीमेल है, हर बंदा चाहता है वो स्लिम और फिट नजर आए. तो उसको चाहिए कि वो एक्सरसाइज करता रहे अगर वो चाहता है तो. विदाउट मेडिसिन कुछ होता है कि कुछ लोग होते हैं पहले वो वेट गेन की तरफ चले जाते हैं, तो बाद में उनके लिए एक्सरसाइज के थ्रू भी करना इजी तो होता है बट वो मेडिसिन की तरफ भी चले जाते हैं. ठीक. तो इसमें इनको चाहिए कि मोस्टली एक्सरसाइज ही करें. एक्सरसाइज से क्या होगा कि उनके जिस्म में जितना भी फैट है वो रिड्यूस होता रहता है. वेट अगर गेन हो रहा है तो वो फैट तो समझाएं लोगों को, इसकी समझ नहीं है कि फैट क्या. जैसे कि आजकल खाना पीना बहुत ज्यादा है, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उसके बाद उनकी एक्टिविटी बहुत कम है, लोगों को खाने को मिल नहीं. आप कहते हैं बहुत खाना पीना बहुत. नहीं, आजकल यंग जनरेशन तो मोस्टली एंजॉय कर रही है फास्ट फूड को. अच्छा. तो इसलिए उनको चाहिए कि अगर उन्होंने खाना खाने के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को भी एनहांस करें. आप फास्ट फूड का भी इनकरेज कर रही हैं. मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप फास्ट फूड खा भी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाना चाहिए ना साथ. मोस्टली लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ बहुत जा रहे हैं कि खा लिया और बैठ के. ऑफिस वर्कर्स ये जो करते हैं, टीचिंग हो गई, इसमें भी हम लोग बैठे रहते हैं मोस्टली. तो इनको चाहिए कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा इन्हेंस करें ताकि वो वेट गेन से बच सकें. और फिजियो में इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई बैक पेन है उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज बहुत इम्प्रूव बेनिफिशियल रहती है इसमें. तो बैक पेन को एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज वर्जिश, जिस्म की वर्जिश. इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं. आपके पास आए तो एक्सरसाइज आप कराएंगी या कि वो जहां खुद भी कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है, ये पेशेंट पे भी डिपेंड करता है. ये बताएं ना लोगों को, बताएं ना भाई कैसे वो आपके पास है या किसी उनको जरूरत नहीं है. हाँ, एक तो जो पेशेंट्स हैं वो वेट लॉस के लिए आते हैं. एक्सरसाइज किस तरह से करनी है तो नहीं नहीं कहेंगे ना. ओके ओके. अच्छा, मोस्टली फीमेल्स आती हैं मेरे पास जिनको बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है. तो बैक पेन को कम करने के लिए उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें. समटाइम ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो फॉलोअप्स के लिए आते रहते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं वन डे के लिए आते हैं. वो होम प्लान हम उनको सारा गाइड कर देते हैं. होम प्लान में ये होता है कि आपने एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, तो ये सारा उनको गाइड करते हैं ताकि वो खुद भी कर सकें. क्योंकि समटाइम पेशेंट्स जो फॉलोअप्स के पेशेंट्स होते हैं वो तो आते रहते हैं, करते रहते हैं एक्टिविटी. आपके पास इमरजेंसी भी को आते हैं पेशेंट? इमरजेंसी पेशेंट्स भी आते हैं. क्या क्या होता है? विद स्वेयर बैक पेन, जिनको स्वेयर बैक पेन होती है. एक ही आई. फ्रोजन शोल्डर भी उनको हो सकता है. अच्छा. पट्ठों में दर्द, खिंचाओ. अच्छा. गर्दन में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द. आप जब थेरेपी वगैरह करते ठीक हो जाता? कोई एक रिलीफ होता है उसमें, पेन को हम क्विकली रिलीव कर देते हैं. ये कमर दर्द तो नहीं ठीक होता होगा? नहीं, हो जाता है. अच्छा जी, हो एक्सपीरियंस.